हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि देख सकते हैं, जो गाड़ी है स्कॉर्पियो H2 है। इसके अंदर एक ऐसा इशू आ रहा है, मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कार जो है अभी स्टार्ट है, अभी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मतलब गाड़ी जो है कोई लाइट माइट नहीं आ रहा है, कुछ कुछ शो नहीं कर रहा है। बट थोड़ा टाइम के बाद देख सकते हो, ये एक लाइट आ जाता है वाटर इंदर फ्यूल वाला और इंजन लिख के आ जाता है। गाड़ी रेस नहीं होती है, देख सकते हो मैंने एक्सीलेटर पूरा दबाया हुआ है, यहाँ पे गाड़ी रेस नहीं होती है, बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं ले रहा है। वापस से मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ। बंद करके वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ तो रेस लेती है, देख सकते हो मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, गाड़ी फुल रेस हो रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये रेस छोड़ देती है। ठीक है, देख सकते हो मैं रेस पकड़ के रखा हूँ अभी। जैसे ये लाइट आया, गाड़ी रेस लेना छोड़ देती है। कौन सा? वाटर इन द फ्यूल और इंजन लाइट, जो ये दोनों लाइट आ जाता है तो गाड़ी एक्सीलेटर लेना छोड़ देती है। तो चेक करते इसमें क्या इशू है, स्कैनिंग करके। या तो जाहिर सी बात है कि या तो डीजल के अंदर पानी वानी है, इसका जो वाटर इन द फ्यूल सेंसर है वो ख़राब है, या तो वायरिंग वगैरह का इशू है, या तो फिल्टर की जहाँ पे सेंसर लगा हुआ है सेंसर ख़राब है, या तो पानी वगैरह है। बट हम लोग एक बार स्कैनिंग करके देख लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी बहुत जगह चेक भी कराया, वायरिंग वायरिंग कटा था, इसके बाद से इशू आया। तो एक बार मैं डायग्नोस करके देख लेता हूँ, इसका जो कनेक्टर है यहाँ पर लगा हुआ रहता है सामने, ये लोकेशन है। उसके बाद यहाँ पर डायग्नोसिस एशियन, ये जो गाड़ी है महिंद्रा, किधर है महिंद्रा, क्या बात है, महिंद्रा ही मिल रहा, ये रहा महिंद्रा। इसके बाद डायग्नोस्टिक्स स्कॉर्पियो, गाड़ी है H2, मैनुअल सेलेक्शन, इंजन कंट्रोल, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, रेड ट्रबल कोड। तो देख सकते हो तारीख ये लिख के आ रहा है, और भी बहुत सारे फॉल्ट आ रहे हैं इसके अंदर, एक्सीलेटर पैडल वाडल की, बट ये सब हेल्ड है। जो मेन इशू है इसके अंदर करंट DTC है ये वाला, वाटर इन द फ्यूल लेवल सेंसर सर्किट शॉर्ट टू बैटरी। ठीक है, देख सकते हो ये फॉल्ट लिख के आ रहा है इसके अंदर। तो चलते आगे, आपको दिखाता हूँ क्या है इसका क्या नहीं है। एक बार सेंसर वगैरह देखते हैं, वायरिंग का इशू है या सेंसर ख़राब है, चेक करके फिर आपको बताता हूँ। ऐसे एक बार कर देता हूँ मैं क्लियर, सक्सेसफुल। ठीक है, फॉल्ट नहीं हुआ, क्लियर, देख सकते हो। यहाँ से लाइट तो चली गई क्लियर करने के बाद, बट वापस से आ गई। ठीक है, लाइट चली जा गई क्लियर करने के बाद, बट रिटर्न आ गई। इसका वाटर इन द फ्यूल सेंसर है, देख सकते हो ये वाला जो है, इसकी ऑलरेडी किसी ने वायरिंग वगैरह पूरा चेक किया हुआ है, मुझे लग रहा है ये फ्यूल सेंसर खराब है, बट फिर भी एक बार चेक करते। इसका वायरिंग वगैरह बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को, देख सकते हो। एक बार मैं ये पूरा निकालता हूँ फिर देखते। वैसे टेप मार लो टेम्पोरवरी, फिर निकाल लेना, फिर अच्छा निकल। ये इसका वाटर इन द फ्यूल का सेंसर है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है बॉडी पे आप देख सकते हो, वाटर फ्यूल सेंसर है ये वाला, और ये दोनों वायर जो है ECM में जाते हैं। अभी हम लोग ने चेक किया इसका, ये जो वायर है ये वाला, दोनों वायर ECM में गए हैं। इस केस में आपका ECM भी ख़राब होता है, ठीक है, जो इंजन कंट्रोल का कंप्यूटर है ये भी ख़राब होता है ECM। तो इसकी वायरिंग की कंडीशन ख़राब है, मतलब वायरिंग का इशू है, मतलब वायर कटा होता है, पहले चुई वगैरह ने कट किया था, जैसा कि देखते हैं यहाँ पे भी चुई ने वायर कट किया है। इससे लेना देना नहीं है, मतलब आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसकी वजह से हो सकता है। पहले वायरिंग इसका पूरा कन्फर्म करता हूँ, फिर चेक करते, वायरिंग वगैरह इसका जॉइंट कर लेता हूँ, फिर चेक कर लेते। बट वायरिंग वगैरह करने के बाद भी नहीं गया तो फिर ये सेंसर डालना पड़ेगा। बट अभी मैंने इसमें चेक किया, वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है,
तो वायरिंग का ही इशू लग रहा है मेरे को। ये जो दोनों वायर है ये सेंसर के वायर है, ठीक है, ये इसका लोकेशन है। बहुत बार होता है हम लोग को पता नहीं चलता कि ईसीएम के कौन से पिन में जो वायर है गया हुआ है। तो देख सकते हो ये इसका लोकेशन है, इस पिन में दोनों वायर आते हैं, ठीक है। इसके इसके अंदर ईसीएम का भी इशू आ सकता है, ये दोनों वायर ईसीएम में आते हैं। तो इसका वायरिंग का ही इशू था। ऑयल उसका वायर निकाल दिया बाहर। हाँ, ये तो उसको भी टेप मार दो। इसको, हाँ, उसको एक टेप अलग से टेप मार दो और इसको भी क्लिप मार दो। टेप लगा है। तो फाइनली हम लोग ने जैसा कि देख सकते हो वायर भी थोड़ा जॉइंट कर लिया, उसको सब सही कर लिया है। अभी फॉल्ट चेक करता हूँ मैं यहाँ पे। एशियन महिंद्रा डायग्नोस्टिक कुटेगला स्कॉर्पियो H2 मैनुअल सिलेक्शन इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रेड ट्रबल कोड, ठीक है। ये हेल्ड के अंदर आ गया, कहाँ गया? वाटर इन द फ्यूल सेंसर, ठीक है। तो मतलब हिस्ट्री के अंदर आ गया ये फॉल्ट। और भी वायर भी थोड़ा निकला आगे, वो क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार। रेड नो फॉल्ट गुड प्रेजेंट, ठीक है। पहले ये फॉल्ट जा नहीं रहा था, देख सकते हो अभी कोई भी लाइट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे नो फॉल्ट कोड है, एक बार वापस से मैं रीड करता हूँ। नो फॉल्ट कोड आ रहा है और गाड़ी आपको रेस करके दिखाता हूँ पूरा। थोड़ा चालू रखता हूँ, वापस से एक बार चेक करता हूँ। रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड प्रेजेंट, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी भी मैंने रेस रखा हुआ है। यही बता रहा था मैं इस वीडियो में कि अगर बहुत बार ये छोटा सा मतलब जैसा देख सकते हो वाटर इन द फ्यूल फिल्टर का लाइट आ रहा था, बट इसकी वजह से भी गाड़ी जो है रेस छोड़ती है और ये प्रॉब्लम आ सकता है जैसा इसके अंदर आ रहा था। थोड़ा टाइम मैं पकड़ के रखता हूँ इसको। ठीक है, इतने टाइम में दो तीन बार हो जाता था ये, वापस से लाइट आ जाती थी और गाड़ी रेस छोड़ देता था, बट अभी रेस नहीं छोड़ रहा है। बस से बंद करके एक बार देखते हैं। तो फाइनली जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देख सकते हो आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।